शांति। आज की तारीख है 7/2/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बहुत ही प्यारा है। बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट करके सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण बना दिया है, अर्थात पवित्रता को धारण करने वाले पवित्र हंस बना दिया है। जो हंस क्या करते हैं, सदैव मोती चुगते रहते हैं। तो आज हम हंसों को, होली हंसों के प्रति परम पवित्र मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र यानी तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। किसी की भी याद ना आए, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो हमारे विचारों में बाबा ही बाबा हो, जिससे विकर्म भी विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही बाबा कहते हैं उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से क्या बन जाते हैं? बाबा कहते हैं तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। सोचो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। हाँ, कौड़ी जिसकी कोई कीमत नहीं और हीरा जो बड़ा अमूल्य होता है। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा और पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। तो हमें भी बाप समान बनना है तो हमें भी क्या करना पड़े, कौड़ी से हीरा बनना, फिर बनाना भी पड़े और हम भी ये सेवा किए बिगर रह न सके, जैसे बाबा ये सेवा बिगर नहीं रह सकते। धारणा के लिए मुख्य दो ज्ञान बिंदु, धारणा बिंदु। नंबर एक बिंदु है, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। बाबा कहते प्रैक्टिकल इस दुनिया को कब्रिस्तान देखो। क्यों? क्योंकि सभी मरे पड़े हैं, माया से मरे हुए हैं, तो सभी मुर्दे हैं, तो उस नजर से देखो। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कब्र को देख के कोई प्यार करेगा? नहीं, वैराग्य आता है। कब्रिस्तान में जाओ, स्मशान में जाओ तो वैराग्य आता है। तो बाबा भी कहते हैं सब हिसाब किताब चुकतू कर क्या करो, इस पुरानी दुनिया के बेहद के वैराग्य में जाकर के और फिर बुद्धि अपनी अपने घर की ओर चला लगा देनी है। नंबर दो धारणा बिंदु है, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का अपने पुरुषार्थ की विधि में, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूजन, ऐसी मोंझ या ऐसी संशय स्वयं के प्रति कभी भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं
होगा, यानी संकल्प में भी विचार नहीं आएगा, स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। माना मैं सफल नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है आज का, सुख स्वरूप बनकर सुख दो। ज्ञान से खाली समझ से सुख नहीं देना है, लेकिन स्वयं उसका अनुभव करें और फिर उनको हम सुख दें तो उससे क्या होगा, हमारी मिठास उनके अंदर उतरेगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब माँ बच्चों के लिए या परिवार के लिए भोजन बनाती है तो उस भोजन के अंदर माँ चाहे कितनी जल्दी में किस भी साधन को लेके, पदार्थ को लेके बनाए, लेकिन माँ के भोजन में जो स्वाद होता है तो कहने में क्या आता है कि माँ के हाथ में रस है, माँ के भोजन में रस है, तो सुख का अनुभव होता है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।